तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर वैगॉन्स के स्टॉक के बारे में। जुपिटर वैगॉन्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर रिकवरी के बाद भी स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको स्टॉक में 3.80% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही आज की गिरावट के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेक डाउन भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेक डाउन की बात करें तो यहाँ पर 445 के लेवल पर स्टॉक में सपोर्ट था, जिसको आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। यहाँ से अगर स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ सभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 422 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 390 और 355 तक के लेवल्स भी यहाँ से भी देखने मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 445 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 525, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 600 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 650 और 700, 750 तक के लेवल्स भी यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।